शुरुआत कहाँ से हुई थी और असली कसूरवार कौन है? अनुजा और चांद। पंडित जी ने अनुजा और चांद को एक साथ देख लिया था और फिर उन्होंने जाकर के उसके घर वालों को बता दिया। उसके घर वालों ने उसे बहुत मारा पीटा और उसी रोज रात में चांद यहाँ पे आया था। चांद, तुम देखिए पंडित जी ने सही नहीं किया। क्यों, उनकी क्या गलती है? समाज के नियम सभी को मानने पड़ते हैं। देखिए, मैं अनुजा से प्यार करता हूँ और अगर हमें किसी ने दूर करने की कोशिश की ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पंडित जी को भी नहीं। चांद, क्या बोल रहा है? बोलने के पहले सोचो। पंडित जी मेरे दोस्त हैं, कितने नेक इंसान है वो, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। समझो, किसी का खून बहाकर प्यार की बुनियाद नहीं रखी जाती है। मुझे तो लगा था कि आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आप भी उन लोगों के साथ मिल गए। अल्लाह हाफिज। ये बात हमें क्यों नहीं बताई? जी वो आलम के अबू ने मुझे मना किया था, अपनी कसम दे रही थी। तुमने अगर किसी से कुछ बोला ना, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, तुम्हें मेरी कसम है। वो नहीं चाहते थे कि ये सब दुनिया वालों के सामने आए, और अनुजा एक मासूम बच्ची है, उसकी बदनामी। ये चांद और अनुजा रहते ना।